हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पवित्र पावन महाफलकारी वैशाख मास के विषय पर चर्चा करेंगे। इस मास के स्नान नियम क्या है, व्रत नियम क्या है, इसका महत्व क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। देखो, हमारा हिंदू न्यू ईयर चैत्र मास से शुरू होता है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर आता है वो दिसंबर 31 दिसंबर के बाद जनवरी 1 जनवरी से न्यू ईयर शुरू होता है, और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से शुरू होता है। चैत्र के बाद वैशाख आता है, तो ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है। वैशाख बहुत पवित्र, पावन, जल्दी फल देने वाला, मन की इच्छाओं को पूरा कराने वाला, भगवान को जल्दी प्रसन्न करके हमें उनकी भक्ति दिलवाने वाला महीना है। इसलिए आप चाहे भौतिक सुख चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी कोई कलयुगी इच्छा पूरी हो जाए, आप प्रभु का प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है वैशाख मास स्नान करना। ग्रंथों में इसे पुण्य देने वाला महीना कहा गया है। वैशाख मास को मधुसूदन मास या माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देके सबको इस मास का महत्व बताया है। महाभारत, स्कंद पुराण, पद पुराण के साथ ही निन्ने सिंधु में ये जो ग्रंथ है इसमें वैशाख महीने का बहुत महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना वैशाख है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए किसी भी पुण्य कार्य का फल हमें कई जन्मों तक मिलता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से पहले नहाने का महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में तीर्थ या गंगा स्नान करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है सिर्फ 3 दिन के वैशाख स्नान से महापापी ने भी मोक्ष पाया। साथ ही वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी उन्होंने भी प्रभु कृपा वैशाख स्नान के फल से ही प्राप्त हुई थी। अब देखो, वैशाख का महत्व सुनकर हमें ये तो समझ में आ गया कि बहुत ही फलकारी महीना है और सबको इसमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के और भी तो महीने हैं, तो वैशाख स्नान ही क्यों करें। या कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वैशाख स्नान बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगी कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख ये 3 महीने सबसे ज्यादा प्रिय है। कार्तिक महीना अक्टूबर नवंबर में आता है, इसे त्योहारों का महीना भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा ये होगा कि कार्तिक के महीने में हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार आते हैं और बहुत मुख्य मुख्य पर्व आते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ऐसे बहुत सारे आते हैं, है ना, धनतेरस, छोटी दिवाली। तो वो और जो कार्तिक होता है ना, वो मौसम बदलने का समय भी होता है, उस समय ठंड आने का समय होता है। तो त्योहारों और पर्वों की वजह से, साथ ही बदलते मौसम की वजह से गृहस्थ लोग कार्तिक निर्वाह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस समय घर की सफाइयां करनी होती है, बहुत सारे लोगों को आपस में गिफ्टिंग करनी होती है, गेस्ट वगैरह घर में ज्यादा आते हैं, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कार्तिक को निभाना। वही माघ का महीना जनवरी में आता है। अब आपको पता है उस समय में भयंकर ठंड होती है, तो उस समय में ठंडे पानी से स्नान करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक वैशाख का महीना है जिसमें गर्मी होती है, सुबह जल्दी उठने या स्नान करने में परेशानी ही नहीं होती। वैशाख का महीना गृहस्थ लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद है, सबको वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। वैशाख में जल्दी सुबह उठना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना आदि में हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो सबसे उत्तम समय होता है। नारद जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने वैशाख महीने को अन्य सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने इस महीने को सभी जीवों को मन चाहा फल देने वाला बताया है। नारद जी के अनुसार ये महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है और देवताओं द्वारा पूजित भी है। उन्होंने वैशाख माह का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव अक्षर यानी ओम, पेड़ पौधों में कल्प वृक्ष, कायों में कामधेनु गाय, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी तरह अन्य महीनों में वैशाख माह सबसे उत्तम है। इस महीने तीर्थ स्नान और दान से जाने अनजाने में किए हुए हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं।
अच्छा, ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति भी मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। देखो, वैशाख स्नान में चार बातें मुख्य हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना, अधिक माला जाप और शास्त्रों का पाठ करना और दान देना। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख स्नान प्रारंभ हो जाता है। ये स्नान पूरे वैशाख मास तक चलता है और वैशाख पूर्णिमा पर इसका समापन होता है। कई लोग वैशाख स्नान वैशाख पड़वा या प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं, जो एकम होती है, जो सही नहीं है। वैशाख स्नान हमेशा चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती होती है और चैत्र पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। तो जब हम चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू करते हैं तो उससे हमें वैशाख स्नान के साथ साथ चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का फल भी मिलता है। इसलिए ही हमें हमेशा चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू करना चाहिए और वैशाख पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करना चाहिए, ताकि हमारे गिनती के पूरा एक महीने का समय हो जाए। पद पुराण का कथन है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेघ यज्ञ के समान है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। गंगा नदी या किसी भी और पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में जो शुद्ध जल हो वहां पे हम स्नान कर सकते हैं। पर अगर किसी भी कारण से तीर्थ स्थान पे हम स्नान नहीं कर सकते हैं तो हम घर में ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के नहा सकते हैं। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। आपने सुना होगा लोग कहते हैं हर हर गंगे कहते हुए नहाते हैं। इस तरह से जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हुए उन्हें मन में धारण करके घर पर ही स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने का ही फल मिलता है। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने। चैत्र पूर्णिमा को जब पहले दिन स्नान कर रहे हो तब वैशाख स्नान का संकल्प लें और भगवान से इस प्रकार कहते हुए प्रार्थना करें, हे भगवान मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप मेरे इस स्नान को निर्विघ्न पूर्ण कराइए। अगर किसी भी कारणवश इस समय में मेरी मृत्यु होती है तो मेरे वैशाख स्नान को पूर्ण समझे। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय पहली किरण के साथ सूर्य देव को अर्घ दे। अर्घ देते समय हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, वैशाखे मेषेघ भानो प्रातः स्नान परायणः अर्धम तेहम प्रदस्यामि ग्रहणम मधुसूदन। इस तरह बोलकर आप सूर्य भगवान को जल दे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ जो जल अर्पित किया जाता है वो सीधा भगवान विष्णु को मिलता है। याद रखें, ये मंत्र रोज जल अर्पित करते हुए हमें बोलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, सूर्य को जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके दे। अगर आपके घर के बाहर, मतलब जैसे बालकनी वगैरह है, वहां पे पूर्व दिशा की दिशा नहीं बनती है तो आप किसी खुले मैदान में भी जाकर जल अर्पित कर सकते हैं, छत पे जाके। तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, कुमकुम यानी जो रोली होती है, और चावल डाल दें, ये बहुत अच्छा होता है। एकादशी वाले दिन चावल की जगह तिल डाल दें। अगर उपलब्ध हो तो तांबे के लोटन में कुशा भी डाल सकते हैं, कुशा बहुत पवित्र होती है। कुशा मिले जल को अर्पित करने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। याद रखें, जल जो हम अर्पित कर रहे हैं भगवान सूर्य देव को, जमीन पे ना गिरे, इसलिए नीचे कोई गमला या कोई पात्र रख लें। बाद में उस जल को आप जो चिड़ियाओं के उसका पानी का बर्तन होता है उसमें डाल सकते हैं या पौधों में डाल सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद हमें अपने पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अब हम अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। जो हमारे सेवित शिव विग्रह है उनकी हम पूजा अर्चना करेंगे। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो हमारे सेवित विग्रह है उन्हें हम तैयार कब करें। तो देखिए, अगर जब आपने नहाया है उसके बाद अगर सूर्य उदय नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास काफी समय बच जाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस समय में ठाकुर जी को उठा के उन्हें तैयार कर लो, और या फिर उस समय में माला जाप कर लो। ठीक है, दोनों ही तरीका ठीक है, पर सूर्य को जल हम पहली किरण के साथ ही देंगे। अच्छा, एक और चीज है, पूजा के बाद वैशाख मास महत्तम की कथा जरूर सुनिएगा। हम रोज वीडियो डालेंगे, एक महत्तम और एक कहानी आपको रोज सुननी है, बहुत बहुत फलकारी होती है।
हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और शिवलिंग पे भी जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीपल के पेड़ का जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद ही दूध या अन्न लेना चाहिए। हर दिन जल या अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अब आपको वैशाख व्रत के विषय में बताती हूँ। देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैशाख स्नान और वैशाख व्रत दोनों अलग अलग बातें हैं। आप चाहो तो दोनों इकट्ठे कर सकते हो, बहुत अधिक पुण्यवान होता है। पर अगर कोई वैशाख व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे एक महीने का व्रत होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वैशाख स्नान भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो सिर्फ वैशाख स्नान कर लो। वैशाख व्रत का मतलब है एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना, और उसके कुछ नियम होते हैं जिसको हम वैशाख का व्रत कहते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होता है, वैशाख में सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना होता। वैशाख व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बस साधक को संयम के साथ अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ और माला जाप में लगाना है। अगर कोई साधक वैशाख व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ वैशाख स्नान भी कर सकता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि अगर वैशाख स्नान करना है तो व्रत भी करना ही पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ वैशाख की जो पवित्र तिथियां हैं, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, अक्षय तृतीया आएगी, हाँ, उनपे भी कर सकते हो आप व्रत। महाभारत के अनुशासन पर्व में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि वैशाख महीने में एक समय खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, और ऐसा करना सेहत के नजरिए से भी अच्छा होता है, इसे साइंस ने प्रूव किया है। इन दिनों में ना मौसम में गर्मी बढ़ जाती है, इस कारण ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में कम खाना खाने से आलस्य नहीं होता, मन में बुरे विचार नहीं आते, और इंसान पाप करने से बच जाता है, ऐसा साइंस ने भी प्रूव किया है। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख मास की भारत के विभिन्न राज्यों की। देखो, वैशाख का महीना भारत के विभिन्न राज्यों में गणना के हिसाब से अलग अलग होता है। हिंदू पंचांग में वैशाख का महीना दूसरा महीना होता है, वही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का चौथा महीना होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में वैशाख का महीना वर्ष का दूसरा महीना माना जाता है, वही गुजरात के पंचांग के अनुसार ये वर्ष का सातवां महीना होता है, और इसके साथ ही बंगाली और उड़िया पंचांग के मुताबिक वैशाख का महीना पहला महीना होता है साल का। वैशाख माह बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में कई पवित्र और शुभ तिथियां भी आती हैं, जैसे बरुतनी एकादशी होगी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, बहुत ही महान फलकारी दिन, इसी दिन हमारे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं, शंकराचार्य जी की जयंती, वृषभ संक्रांति, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी या नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे जो पर्व हैं ये सब हमारे वैशाख में आते हैं। और अगर हमने वैशाख व्रत रखा होता है ना तो इन सभी पर्वों के व्रत भी हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शास्त्रों के अनुसार कि क्या दान करने से हमें क्या फल मिलता है। देखो, प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में जल की चाहत रखने वाले को जल, छाया की चाह रखने वाले को छाता, और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्माओं को प्रेम के साथ शीतल जल देता है, उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राष्ट्र या यज्ञों का फल मिलता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा करकर शीतलता देता है, वो पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है, वो भगवान विष्णु का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जो विशुद्ध मन से ताड़ का पंखा जरूरतमंदों को दान करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वो ब्रह्म लोक का वासी बन जाता है। जो वैशाख मास में चप्पल जूते का दान करता है, वो विष्णु लोक में मोक्ष को पाता है। जो रास्ते में अनाथों के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करना ही संभव नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, मेहमान आदि को कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
इसीलिए वैशाख में, वैशाख जो होता है बहुत गर्मी का समय होता है, उसमें आप फल का, जो ठंडे फल होते हैं तरबूज खरबूजा आम इत्यादि, उनका दान करें जिससे सामने वाले को शीतलता मिले। आपको ठंडा जल बना के, आपने देखा होगा शिकंजी का या रूह अफ़ज़ा का या ठंडाई का, ये बहुत ज्यादा लोग बांट रहे होते हैं, है ना, सामने वाले को ठंडक पहुंचानी है। पंखे का दान कीजिए, जूते चप्पल का, क्योंकि धरती बहुत गर्म होती है, चलने में बड़ी कठिनाई होती है, तो जूते चप्पल का दान कीजिए। दान करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। दान जब हम किसी को दान करते हैं, उसके दिल से एक सच्ची दुआ निकलती है ना, वही हमारे लिए कब किस समय पे काम आती है ना, नहीं पता। इसीलिए कहूंगी, अगर अपने कर्मों को बदलना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो उसमें एक ऐसा तूफान लेकर आओ कि भगवान को भी आपका भाग्य बदलना ही पड़े। अंत में से कहूंगी, वैशाख मास बहुत ही पावन महीना है, इसे ऐसे जाने ना दे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को सभी मासों में बहुत उत्तम दर्शाया गया है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है और व्रत रखता है, वो भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया था। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें आने वाले पर्व त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए वैशाख लिखकर 9821025751 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।